महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक, महापौर और निगम आयुक्त ने आरती व रुद्राभिषेक कर शहर की सुख समृद्धि की कामना की। नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नदी तट पर भव्य मेला सा माहौल नजर आया। एक ओर जहां भक्तों की भीड़ और मंदिर में दर्शन करने वालों की लंबी कतारें, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं के साथ आस्था के साथ दर्शन का लाभ उठाया। वहीं इस अवसर पर शहर विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर भी शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पहुंचे और बाबा की आरती कर बर्फ से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने रुद्राभिषेक कर शहर के लिए खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव और महापौर धीरज बाकलीवाल ने शिवनाथ नदी तट पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर उन्होंने पूरे शहरवासियों की ओर से भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर कहा कि उनकी कृपा आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। मनुष्य जीवन में आए हैं, पिछले जन्म में अच्छे कार्य का यह प्रतिफल मिला है। इस जीवन में आने पर कुछ कार्य करने का मौका मिला है। इस जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो अगला जीवन भी मनुष्य योनि में होगा। हम सब यहां आज संकल्प लेते हैं कि प्रदेश और शहर में शांति सद्भाव का वातावरण बना रहे, ऐसा कार्य हम हमेशा करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम जनसंपर्क विभाग के थान सिंह यादव और राजू बख्शी ने इस संबंध में बताया कि शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, नीले फूल, समी पत्र, बिलव पत्र और भांग अर्पित कर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। शिव दर्शन के लगा शिव भक्तों का तांता। शिवनाथ नदी सहित शहर के शिवालय व देवालयों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा, पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने श्रद्धालुओं को महाप्रसादी का वितरण भी किया। हजारों भक्तों के साथ विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सुबह नदी तट पर लगे मेले और नगर निगम प्रशासन व मंदिर समिति की ओर से की गई व्यवस्था की सराहना की। वहीं मेले में पूजा पाठ की सामग्रियों के साथ खाने पीने का उपयोगी सामग्रियों का भी स्टॉल लगाया गया था। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इसके मनाने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ था। एक दूसरा कारण यह भी है कि भगवान भोलेनाथ के जन्म के साथ साथ इसी दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त एक मान्यता यह भी है जो शिवरात्रि के इस महापर्व को और महत्व को दर्शाती है, और वह यह है कि इस दिन संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म से लेकर के जो बृहत शिवलिंग है, अर्थात जो छोटे से छोटे शिवलिंग हैं और बड़े से बड़े शिवलिंग हैं, उन सभी शिवलिंग में भगवान शंकर जो हैं वो अपने दिव्य रूप के साथ निवास करते हैं। और इसलिए भगवान शंकर का ये कहना है, भगवान शंकर का, कि जो भी इस दिन मेरे इस परम दिव्य रूप के दर्शन करता है, पूजन करता है, विधिवत ध्यान अर्चन करता है, मैं उसकी शरीर सभी बाधाओं को विनष्ट करता हूँ और उसकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। चूँकि यह जो पर्व है भगवान भोलेनाथ का है, भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ यह होता है कि जो बहुत छोटे से प्रयत्नों में, बहुत छोटी सी पूजा में जो प्रसन्न हो जाते हैं उनको आशुतोष कहा जाता है। इस दिन होता यह है
कि जो भगवान भोले के भक्त लोग होते हैं वो प्रातः काल से किसी सरोवर के किनारे या किसी नदी के किनारे आकर के या किसी तीर्थ स्थान पर आकर के भगवान शंकर का पूजन पाठ करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। अभिषेक भी कई प्रकार से किया जाता है, कोई जल से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है, कोई सरसों तेल से करता है, कोई मधु से करता है। तो व्यक्ति जिस प्रकार की अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी बाधाओं को नष्ट करते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम।